लव यू ऑल। बहुत पसीने आ गए भाई ये वीडियो बनाने में, बहुत पसीने आ गए, अरे बहुत पसीने आ गए, हाल खराब हो गए। आज आपको बुलेट प्रूफ कॉफी बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप लोगों ने नेट पे दुनिया भर के वो देखे ही होंगे, तो मेरा कोई खास अलग तरीका नहीं है, बट आई डू इट माई वे और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। काफी लोगों को अच्छा लग सकता है, काफी लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, बट दिस इज हाउ आई मेक माई बुलेट प्रूफ कॉफी। तो आप लोग तैयार हो? तैयार हो मेरी बुलेट प्रूफ कॉफी देखने के लिए? तैयार हो ना? तैयार हो ना? आ जाओ। ओके सो ये मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने आज ये जो पहना है, दिस वॉज सेंट टू मी बाय दिव्या एंड थैंक यू सो मच दिव्या। हैदराबाद से ये गिफ्ट मेरे लिए दिव्या ने भेजा है और मेरा फर्ज बनता है कि मैं ये पहन के आप लोगों को दिखाऊं कि हाउ ब्यूटिफुल दिस इज लुकिंग। मैं ना करेक्ट दिखा नहीं पा रही हूँ। एंड ऑल्सो आई हैव स्टार्टेड टू लूज वेट क्योंकि मैं कीटो डाइट कर रही हूँ। कीटो डाइट मैंने बोला था आपको मैं करूंगी और मेरे को थोड़ा सा इस बार लंबा चलना पड़ेगा बिकॉज मैं काफी टाइम से मैं डाइट पे नहीं थी एंड आई हैव पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, मेडिसिन ये वो फलाना ढमकाना, सो आई हैड टू गो बैक ऑन माई डाइट। और अविनाश पहले से कीटो कर रहा था, मेरी बारी आ गई है कीटो करने की। मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, इट्स ऑलमोस्ट बीन 10 डेज मैं कीटो डाइट कर रही हूँ और कीटो डाइट से क्या हुआ है ये देख लो। एंड दिस इज लाइक विदाउट एक्सरसाइज, अभी तक एक्सरसाइज शुरू नहीं की, एक्सरसाइज शुरू करूंगी, जस्ट थोड़ा सा और ठीक हो जाए एक्सरसाइज शुरू करूंगी, बट डाइट ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सो अगर आप देख सकते हो तो थोड़ा मेरा फेस भी आपको कम दिख रहा होगा, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऑलराइट सो बुलेट प्रूफ कॉफी, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं बुलेट प्रूफ कॉफी आप सब लोग नहीं पी सकते हो। अगर आप कहोगे कि अरे हम भी पी सकते हैं, हम भी पी सकते हैं, वही लोग पी सकते हैं जो कीटो डाइट कर रहे हैं। सो आप क्योंकि बुलेट प्रूफ कॉफी में बहुत फैट्स होते हैं और कीटो डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फैट्स की होती है, फैट्स एंड देन प्रोटीन्स एंड देन कार्ब्स, एंड कार्ब्स भी वो आपको वेजिटेबल के फॉर्म में होता है। वो आप ना तो आप चावल खा सकते हो, ना यू कैन हैव रोटी ब्रेड, कुछ नहीं खा सकते हो, ना ही दालें, बट कार्ब जो फॉर्म में जाएगा वो आपके वेजिटेबल्स के फॉर्म में जाएगा। सो ऑब्वियसली कीटो डाइट का एक तरीका होता है, आप सभी को पता है, अभी तो मोस्टली लोगों को सब पता ही है, बट कीटो डाइट में आपको फिर दोबारा जिनको नहीं पता है मैं उनको रिमाइंड कर दूं कि ये कॉफी वही पिए जो कीटो डाइट में है, ना कि रेगुलर। एनर्जी जरूर दे सकता है आपको ये वाली कॉफी, लेकिन आई डोंट थिंक अगर वो आप नॉर्मल डाइट पे हो या अगर आप कोई और डाइट फॉलो कर रहे हो तब शायद ये अच्छी ना रहे कॉफी। तो एक बार अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो विद सम अदर डाइट तो आप एक बार अपने डाइटिशियन से कंसल्ट जरूर कर लेना। बट आज मैं आपको अपनी अपनी बुलेट प्रूफ कॉफी बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसके लिए ये जरूरी है और ये जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मैं तैयार कर देती हूँ, ये रहा मेरा कप और ये है बटर जो मैं यूज करूंगी एंड देन दिस इज दी MCT oil which I am going to use. So, आप ध्यान से देख लो, ये रहा MCT oil और इसके बहुत सारे benefits हैं। अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो मैं जब बनाने लगूंगी तभी बताऊंगी, अभी मैं बता रही, अभी क्यों बताऊं, रुको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं करने लगी हूँ वो क्या करने लगी हूँ, अपनी कॉफी बना रही हूँ। आप कोई भी कॉफी बना सकते हो, कोई भी कॉफी, नेस्कैफे, ब्रू, फलाना ढिमकाना, कोई भी कॉफी मुझे जो अच्छी लगती है, स्टारबक्स जो पीते हैं वो स्टारबक्स की बनाएं, जो पीते हो कॉफी वो बनाओ, मुझे ये वाली अच्छी लगती है इसलिए मैं ये बनाने लगी हूँ। दिस इज द कॉफी, सो व्हाट यू नीड टू डू इज ये ले लो इसका एक चम्मच और ये डाल दो। अरे बाप रे बंदे, ये रहा फिल्टर, फिल्टर में गई कॉफी। आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल मोर कॉफी क्योंकि मुझे आई लाइक इट स्ट्रॉन्ग। और कॉफी को इमीडिएटली जैसे ही आप निकालते हैं उसी वक्त बंद भी करो ताकि कॉफी की फ्रेशनेस नहीं निकल जाए। अब डालेंगे हम इसमें एक कप पानी, ये तो किसी को पता ही नहीं होगा, मैं बता रही हूँ, ये लो गया एक कप पानी, ठीक है। चलिए, बाप रे मुझे कितने पसीने आ रहे हैं वीडियो बनाते हुए, गर्मी बहुत है ना। तो अब जब तक ये मेरी कॉफी बन रही है ना तब तक मैं तैयारी करूंगी कि मुझे इसमें ब्लेंडर में क्या करना है। आप कोई भी मिक्सर ब्लेंडर कुछ भी ले सकते हैं, सो दिस इज द ब्लेंडर विच आई एम गोइंग टू यूज। ये लो, खोल लिया इसको, ऐसा दिखता है और ये दिस इज द बटर दैट आई एम यूजिंग। आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर यूज कर सकते हो, प्रेसिडेंट का आता है, कितने सारे आते हैं, आई थिंक अमूल का भी आता है लेकिन मुझे मिल तो नहीं रहा था मार्केट में, मुझे मार्केट में यही मिला जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बटर, जैसे 500 रुपए का था शायद ये, जहां तक मुझे याद आ रहा है। बट जो प्रेसिडेंट वगैरह बटर होता है ये आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, लाइक 200-250 का मिल जाएगा, बट आप वही वाला यूज करो ना, महंगा इतना यूज क्यों करना है, मैं भी नहीं करना चाहती थी,
लेकिन मिला ही मुझे ये। तो आप कोई भी अनसॉल्टेड बटर लेना, क्योंकि ये सॉल्टेड बटर में क्या होगा, आपकी कॉफी का टेस्ट खराब हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट। तो आपको कैपेचिनो जैसा टेस्ट चाहिए कॉफी का, तो आपको ये वाला बटर यूज करना है। दिखा देती हूँ मैं कैसे यूज करना है। ये ले लिया जी चाकू, ये रहा बटर। एंड मैं इतना बटर, आप देख लो इतना बटर मैं ले रही हूँ, अगर इतना बटर मैं खाने में खा लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे साथ। ये रहा बटर गया अंदर, ठीक है जी, बंद कर दिया बटर को। नाउ अब आता है इसका काम, मैं बता देती हूँ इसका काम क्या होता है। आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू गाइस ताकि आपको पता लगे। एमसीटी ऑयल बेसिकली कोकोनट ऑयल का अच्छा फॉर्म है। तो बहुत इसका क्या क्या है, नेचुरली सोर्स्ड एमसीटी 100% कोकोनट, इजीली डाइजेस्टेड, रैपिडली एब्जॉर्ब्ड, और कुछ 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 कुछ, और ये बेसिकली कीटो फ्रेंडली है एंड ओडरलेस एंड व्हाटएवर जो भी है। तो ये सब है इसके बेनिफिट्स। ये बहुत ही अच्छा है अगर आप कीटो में जाने की कोशिश कर रहे हो तो, आपको ये बेस्ट है, आपको फटक से कीटो में ले आएगा, लाइक 2-3 दिन के अंदर, वरना आपको 4-5 दिन लग जाते हैं। और आपको बता दूं कि ये प्लीज ऐसे ही ट्राई मत करो, और ये ज्यादा मत ट्राई करना, एक चम्मच से ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपका पेट खराब कर सकता है, आपको गुड़ 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 शुरू हो सकती है, एंड यू डोंट वांट दैट, है ना। कॉफी अच्छी लगनी चाहिए, गुड़गुड़ हो जाए तो फिर गड़बड़ है ना। आओ आओ मेरे दोस्तों, तुम्हें कॉफी बनाना सिखाऊं। अब मैं लेती हूँ एक चम्मच नॉर्मल वाला, नहीं अब मैं लेती हूँ एक चम्मच थोड़ा सा बड़ा वाला, लाइक इतना बड़ा, क्योंकि अब मैं कीटो में आ चुकी हूँ तो मैं इतना बड़ा अफोर्ड कर सकती हूँ चम्मच, ठीक है ना, वरना इतना बड़ा भी मत लो आप। और ये डाला मैंने एक, ये डाल दिया मैंने एक चम्मच, ठीक है, इसको डाल दो अंदर। तो आपका क्या आ गया है अभी तक, बटर और 1 स्पून ऑफ एमसीटी ऑयल, ठीक है जी। ये लो मैंने डाल दिया इसमें बटर, एमसीटी ऑयल, ये मैं बंद करके साइड पर रख रही हूँ। ये मेरी कॉफी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, यू कैन सी, इसका बटन बंद कर दिया जाएगा। और ये रहा, अब ये जो कॉफी है आपका, ये आप इसमें डाल दो। सो बेसिकली आपको, आप ऐसे भी पी सकते हो, मतलब जिनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता ना टेस्ट से, वो ऐसे भी पी लो, कोई टेस्ट ही नहीं आएगा, इतना गंदा और घटिया टेस्ट है। लास्ट टाइम में जिस जगह पे कैफे में कॉफी पीने गई थी, वो ऐसा ही कुछ किया हुआ था उन्होंने, एंड दिस इज नॉट द वे। आपको तरीके से कॉफी बनाना चाहिए इफ यू आर मेकिंग अ बुलेट प्रूफ कॉफी। ओके ये डाल दिया है, ये ऐसा दिख रहा है, मैंने बंद किया ये ब्लेंडर, ये रहा बंद किया, और ये लो इसको ना कम से कम 1 मिनट तक ब्लेंड करते जाओ ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको ब्लेंड बराबर से करो, वरना कॉफी का वो टेस्ट नहीं आएगा जो मैं आपको कह रही हूँ। अगर कैपेचिनो वाला टेस्ट चाहिए ना तो ऐसे करो, देखो। अगर आप लोग चाहते हो तो इसमें स्टीविया ऐड कर सकते हो, स्टीविया, स्टीविया शुगर फ्री पता है ना, कोई और शुगर फ्री मत ऐड करना, बकवास होते हैं, स्टीविया ऐड करो। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि वो भी बकवास ही है, शुगर आपको लेना ही नहीं चाहिए अपने अपने चाय कॉफी में, जितना अवॉइड कर सकते हो शुगर, शुगर फ्री इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। वैसे तो मैं बता रही हूँ जो सबसे ज्यादा यही काम करता है, लेकिन मैं शुगर काफी टाइम, बहुत साल हो गए, इट्स बीन आई थिंक मोर देन 12-15 ईयर्स की मैं ना शुगर लेती हूँ ना शुगर फ्री लेती हूँ, अदरवाइज मीठा खा लूँ तो अलग बात है, लेकिन चाय कॉफी क्योंकि मैं वैसे ही बहुत पीती हूँ और पे शुगर भी आप लो तो हो गया ना कांड। एक चम्मच एक चाय में, अगर आप दिन के 4-5 पी रहे हो कॉफी पी रहे हो, तो 4-5 चम्मच आपके शुगर या शुगर फ्री पेट में चले गए तो आपका गुड़गांव तो बनेगा ना फिर, मेरा तो वैसे भी है। ये लो जी, अब मैं इसको खोलने जा रही हूँ। अकेले बना रही ना वीडियो, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है भाई, इतना आसान नहीं होता। अविनाश नहीं है, बनाओ भी और वीडियो भी बनाओ तो कैसे होगा, गिरेगा ही ना, गिर गया। तो ये रही जी मेरी कॉफी तैयार, ये देख लो, ये बिल्कुल आपको कैपेचिनो जैसी लगेगी, टेस्ट भी आपको ऑलमोस्ट वैसा ही देगी। आप इसमें वनीला एसेंस यूज कर सकते हो, फलाना निमकाना फालतू की चीजें यूज कर सकते हो इसको, यू नो, टू मेक इट मोर टेस्टी, बट मुझे लगता है कि टेस्ट एज इट इज भी बहुत अच्छा लगता है इसका। अगर आप डाइट पे हो तो कोशिश करो कि ज्यादा फ्लेवर्स आप ना यूज करो तो बेहतर है, टेस्ट पे ज्यादा ना जाओ तो बेटर रहेगा, रादर अपनी डाइट फॉलो करो। सो दिस इज माय बुलेट प्रूफ कॉफी, एंड मैं एक सिप ले लेती हूँ पहले इसको। बॉस ये अल्टीमेट है, समझ गए, एक बार पी के देखो आपको पता लगेगा ये कितनी टेस्टी कॉफी है। इट्स अ वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी कॉफी, बट ओनली फॉर पीपल हु आर ऑन कीटो डाइट। सो विद दिस I end this vlog और मेरी कैंडी कोको बाहर मेरा वेट कर रहा है, जरा आपको मिलवा भी देती हूँ। कोको बाबू आप क्या कर रहे हो, चुनो कोको अंदर क्या कर रहे हो, कैंडू का कैंडी, कैंडी कहाँ हो छोना, इधर आओ मम्मा के पास आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बुलेट प्रूफ कॉफी पियेंगे मम्मा के साथ, इधर आ जाओ जल्दी आओ, जल्दी आओ छोना जल्दी आओ ना, जल्दी जल्दी आ जाओ। ओह हो, अरे अरे
कम हियर। सो ये रही मेरी शोना मेरे साथ। शोना की पूंछी हिल रही है मम्मा को देख के। तो मैं अपनी कॉफी शोना के साथ एंजॉय करने लगी हूँ और आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप लाइकिंग शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज कैंडी सीड एंटरटेनमेंट। कैंडी आपका चैनल है ना? कैंडी का चैनल है। आई मिला चूनू कान साफ करने वाला कुत्ता।